Morning students, welcome back again in today's our online lecture. Myself Vijay sir from Goregaon Municipal Secondary School. In last lecture we learn about the story Fall of Troy, and today we are going to learn the lesson Great Scientists. This is the story about the life of one greatest scientist named Michael Faraday. He was born in a poor family, but by hard work he became a great scientist. This story tells us that no matter where you born, if you have a capacity to do hard work consistently, then you can achieve great success in your life. So let's start, my friends, the lesson Great Scientists. So here is the screen. Please try to focus on the screen and understand the meaning of difficult word as well as the story. Great Scientist. Great scientists are persevering and never deterred by difficulties. Great scientist means hota hai mahan vaigyanik. Scientist jinhone kuch invent kiya hai unhe scientist kaha jata hai. Mahan vaigyanik, the great scientists are persevering. Persevere karna matlab kathin parishram karna. Kaisi bhi sthiti mein woh apne aap ko मूव करते रहते हैं और किसी भी डिफिकल्टी को फेस करने की क्षमता वह रखते हैं. तो इसीलिए कहा गया है ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवरिंग. परसिवरिंग करना मीन्स दृढ़ता पूर्वक या कठिन परिश्रम से किसी कार्य को करना. वह कठिन परिश्रम करते रहते हैं एंड नेवर डिट्रे. डिट्रे होना मतलब किसी चीज से विचलित हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना. नेवर डिट्रे मतलब वो कभी डरते नहीं है बाय डिफिकल्टीज. वो किसी भी मुसीबतों को डरते नहीं है, वह उसको फेस करने की क्षमता रखते हैं. दैट्स कॉल्ड ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवरिंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज. माइकल फैराडे इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज still a subject of study in the form of Faraday's laws. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. देखिए जो lesson है Michael Faraday इनके life के बारे में है, तो उन्होंने कहा है Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists. Distinguished मतलब बहुत ही famous, बहुत ही successful. वह उन्हें एक बहुत ही successful scientist माना गया है. And inventors, और उन्हें इन्वेंटर्स भी माना गया. अब मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय के एक महान वैज्ञानिक उन्हें माना जाता है. एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली से संबंधित उनका जो कार्य है, इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और आज भी वह अध्यापन का एक विषय है. इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज. फैराडेज लॉज के मतलब फैराडे के नियम, इस रूप में वह उसे हम अध्ययन करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनका जो कार्य उन्होंने किया है वह एज अ सब्जेक्ट हम उसको लर्न करते हैं. बट फ्यू नोज हिज इंस्पायरेशनल लाइफ स्टोरी. लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उनकी प्रेरणादायी जो कथा है जीवन की उसे जानते हैं. विच इज ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ओड्स. उनकी जो थी, जो उन्होंने बिताई थी, वो कैसी थी? विच इज ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ओड्स. ही फेस सो मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ. मतलब उन्होंने ढेर सारी परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना किया है. तो उनकी लाइफ पूरे धैर्य से भरी हुई थी, और उन स्टोरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे जो आज आपके सामने रखी गई है. माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली इन अ डर्टी लंडन सबर्ब. देखिए, ही वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली. ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली. मतलब बहुत ही गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जो गरीबी सहते आए थे. कहाँ पे हुआ था? इन अ डर्टी लंडन सबब. लंडन के किसी, डर्टी मतलब गंदा एरिया, डर्टी लंडन सबब, लंडन के उपनगर में
बहुत ही वो गंदा था, ऐसे में ऐसी जगह बहुत ही गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे तभी से ही फेस अ स्पीच डिफेक्ट। स्पीच डिफेक्ट मतलब बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज अ रैबिट, ओ आर को डब्ल्यू मतलब रो को वो बोलते थे। ही वुड प्रोनाउंस वो किस तरीके से उच्चार करते थे, रैबिट एज अ रैबिट, रैबिट को वह रैबिट कहते थे। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम, और वो अपना खुद का नाम भी सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फैराडे, उनका नाम फैराडे था और र की जगह वह वो का प्रोनाउंस करते थे, कॉल हिमसेल्फ फैराडे। अदर चिल्ड्रन लॉफ एट हिम, और इसी कारण उनके साथी बच्चे उन्हें बहुत हंसते थे। अदर चिल्ड्रन लॉफ एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम ईदर, और उनके जो शिक्षक थे वो भी उन्हें मदद नहीं कर पाते। When he was 12, जब वो 12 साल के थे, when he was 12 years old, his mother was forced to take him out of school. जब वो 12 साल के थे तभी उनकी माँ ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया, because he couldn't pronounce very well, he was facing speech defect, so his mother take him out of school, thus putting an end to his formal education. और इस तरीके से उनका जो औपचारिक शिक्षण था, जो स्कूली शिक्षा थी, वह समाप्त हो चुकी थी। At 13, however, he started working with a book binder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. जब वो 13 साल के थे, at the age of 13, he started working, उन्होंने काम करना शुरू किया था with a book binder. एक बुक बाइंडर की शॉप में उन्होंने काम करना शुरू किया था। बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे, और एक दिन में वह सैकड़ों किताबों को बाइंड करते थे। एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम, और उन्हीं सब किताबों को जिनको बाइंड किया गया था दिन में, उन्हीं को वह रात में पढ़ते थे। मतलब उन्हीं किताबों को बाइंड करना और उन्हीं को रात भर वो पढ़ते रहते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन, and in this way reading became his obsession. Obsession बनना मतलब वो एक क्रेज बन गया था, फैट बन गया था उनके लिए। पढ़ते रहते थे, रात को पढ़ना और दिन को काम करना, यही उनका अभी मतलब कंटिन्यू कर रहे थे उसी चीज को वो। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वन डे एक दिन ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंड टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। एक दिन उनके हाथ ऐसी किताब आई जो बिजली के टॉपिक, बिजली जो टॉपिक है इस पर आधारित थी, और जिसे उनके मास्टर के पास बाइंडिंग करने के लिए भेजा गया था। He started reading it, उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, and was completely hooked, and he was completely busy to read the book. उसमें खो गए, उस किताब को पढ़ते पढ़ते उसी में खो गए। That was his first introduction to the subject of electricity, और यही उनका वह इंट्रोडक्शन था उस किताब के साथ जो बिजली पर आधारित थी। Which soon became a lifelong fascination. Fascination बनना means attraction बनना, और वही बिजली ऊपर आधारित जो किताब उन्होंने पढ़ी थी वही उनका लाइफ टाइम के लिए एक अट्रैक्शन बन गया था। Faraday was still poor at 21. When he was 21 years old, he was poor. जब वो 21 साल के थे तभी वो गरीब ही थे। Once, एक समय, a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned केमिस्ट हम्फ्रे डेवी एट लंडन रॉयल इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या हुआ, 21 के उम्र में भी वो गरीब थे, लेकिन उसी समय उनके मित्र ने, उनका एक मित्र था, उन्होंने उन्हें एक टिकट दिया। टिकट किस चीज का था, तो हम्फ्रे डेवी ये जो महान रसायन शास्त्री थे उनका स्पीच था, किसके ऊपर, अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ प्रदर्शन करने वाले थे पब्लिक में, उनका लेक्चर था जो कि बहुत ही जाने माने केमिस्ट थे, लंडन रॉयल इंस्टीट्यूशन, लंडन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में वहां पर उनका लेक्चर था, और उस लेक्चर का उनके मित्र ने उन्हें टिकट दिया, फैराडे को टिकट दिया। डेवीज वर्क ऑन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमॉन्ग द साइंटिस्ट ऑफ दैट एज। उस समय के जो भी साइंटिस्ट थे उनके बीच हम्फ्रे डेवी का जो काम था, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, विद्युत प्रकाश के ऊपर और रसायन के ऊपर उन्होंने जो काम किया था, उस काम की उस समय के सभी वैज्ञानिकों में चर्चा होती थी। 70 years later,
after 70 years or uske 70 saal baad across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. और हम्फ्री डेवी का जो काम था इसी काम के पर उसी काम के कारण जो 70 साल बाद अटलांटिक ओशन मतलब अटलांटिक महासागर के पार इन द यूएसए अमेरिका में क्या हुआ था, द सेम वर्क इनेबल थॉमस एडिसन, इसी इन्हीं के काम के कारण थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक पर चलने वाला बल्ब की खोज उन्होंने की थी और उसके लिए इनका बैकग्राउंड इनका जो काम था बहुत वर्क कर गया था. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. और जिस दिन माइकल फैराडे अटेंड करने गए थे उनके मित्र ने उन्हें टिकट दिया था. That day in 1812 में क्या हुआ था देखिए, he was spellbound by Davy's lecture. वह डेवी का लेक्चर सुन के स्पेल बाउंड हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए थे, बिल्कुल खो गए थे उनके लेक्चर में. He kept taking notes about the mysterious force of electrical field. He was making notes about the mysterious force of electric fluid. Electric fluid मतलब विद्युत प्रवाह का जो रहस्यमय उसका जो गति होती है या उसकी तीव्रता जो होती है उस पर आधारित जो लेक्चर चल रहा था उसमें वो पूरी तरीके से खो गए थे, नोट्स बना रहे थे. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. He was so engrossed मतलब वो इस तरीके से खो गए थे, इस कदर खो गए थे in the lecture उस व्याख्यान में, he forgot to applaud with the rest of crowd. जब लेक्चर खत्म हुआ सभी लोगों ने उनकी सराहना की, उन्हें appreciate किया गया, but माइकल फैराडे फॉरगेट टू अप्रिसिएट टू हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी को अप्रिसिएट करना उनकी सराहना करना वह भूल गए. व्हेन ही वेंट बैक जब वो वापस गए, हिज नोट्स वेयर सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ही बाउंड देम इनटू अ बुक. और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा उन्होंने जो नोट्स बनाई थी उस लेक्चर में, इट वॉज सो कॉम्प्रिहेंसिव वास्ट थी, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वास्ट विस्तृत थी, दैट ही बाउंड देम इनटू अ बुक और उन्होंने उसका एक किताब बनाया, मीनिंग टू गिफ्ट इट टू डेवी सेम समडे. और उन्होंने सोचा था कि मैं इस किताब को हम्फ्री डेवी को गिफ्ट करूंगा. फैराडे डिसाइड दैट डे दैट ही डिडंट जस्ट वांट टू सेल बुक्स, ही वांटेड टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट. और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइड दैट डे ही वांट टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट कि मुझे एक महान वैज्ञानिक बनना है. आई डोंट वांट टू सेल बुक्स, मुझे सिर्फ किताबें बेचनी नहीं है, मुझे महान एक साइंटिस्ट बनना है, गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक्स, इतना महान बनना है कि मैं अपनी खुद की किताबें लिख सकूं. डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल और इस तरीके से हम्फ्री डेवी उनके रोल मॉडल बन गए. बट देर वॉज अ प्रॉब्लम, बट ही वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, he did not have the money, he did not have the education to pursue science. देखिए pursue science, pursue करना मतलब पीछा करना किसी चीज का, यहाँ पर pursue का meaning है learn करना. अभी उन्होंने हम्फ्री डेवी को अपना role model बना दिया था, he wanted to be a great scientist, वो एक महान वैज्ञानिक बनना चाहते थे, enough, good enough to write his own books, अपनी खुद की किताबें लिखने के वो काबिल बनना चाहते थे. but there was a big problem. What was the problem? The problem was he didn't have a social status. उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं था. He didn't have money, ना ही उनके पास पैसा था, and he didn't have the education, और ना ही वो educated थे, क्योंकि 12 साल की उम्र में ही उनकी शिक्षा तो खत्म हो चुकी थी. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor. उसी समय उन्होंने सोचा it would be wonderful, ये बहुत अच्छा होगा. क्या अच्छा होगा? If Davy became his mentor, अगर हम्फ्री डेवी मेरे mentor बनते हैं, mentor मतलब guider बनना, किसी को guide करने वाला व्यक्ति, that's called a mentor. अगर वो मेरे mentor बनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. But Davy didn't agree initially, लेकिन शुरुआत में हम्फ्री डेवी ने उनका mentor बनने के लिए क्या किया, he didn't agree, उन्होंने असहमति दर्शाई. So Faraday was not dejected, लेकिन Faraday dejected नहीं हुए, reject होना means upset होना. He was not upset, he just kept trying, he continuously doing his work, उन्होंने अपना कार्य शुरू रखा, वो upset नहीं हुए.
Destiny had a strange plan in store for him. But destiny means bhagya, luck. Destiny had a strange plan in store for him. So destiny, bhagya ne unke liye kuch alag hi plan bana ke rakha tha. A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. देखिए क्या हुआ कि Davy जहां पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे उनकी जो लैब थी उस लैब में क्या हुआ, एक्सप्लोशन हैपन्ड, मतलब स्पोर्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ, वहां पे केमिकल्स ब्लास्ट हुआ. ड्यू टू ब्लास्ट ही वाज टेम्पररी ब्लाइंडेड. वो क्या हो गए, मतलब कुछ समय के लिए वो अंधे हो गए, उन्हें दिखाई नहीं देता था. सो ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम. और इसी के बदौलत उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी जिसकी मेमोरी कैसी हो, शार्प हो, जो बहुत अच्छा सोचते हो, जिनकी मेमोरी काम करती हो, इस तरीके के असिस्टेंट की उन्हें आवश्यकता थी. सो ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फैराडे. तब उन्हें फैराडे की याद आई एंड डिसाइडेड टू हायर हिम. ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, हम्फ्री डेवी ने डिसाइड किया कि अभी मैं उन्हें क्या करूंगा, हायर करूंगा, मतलब एज अ असिस्टेंट मैं उन्हें अपॉइंट करूंगा. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फैराडे एंड डिसाइड टू हायर हिम एज हिज अ सेक्रेटरी. उन्होंने फैराडे को अपना सेक्रेटरी बनाने का भी सोच लिया था. Davy नेवर बिलीव्ड फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन. लेकिन उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने के बाद भी Davy नेवर बिलीव, उन्हें बिल्कुल ही यकीन नहीं था. क्या यकीन नहीं था, फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि साइंस के क्षेत्र में ये जो फैराडे है ये कुछ कर पाएंगे, इस बात का उन्हें यकीन ही नहीं था. क्यों नहीं था, बिकॉज हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन, उनकी जो सोशल स्टेटस थी और जो एजुकेशन था, इसके बदौलत Davy को ऐसे लग रहा था कि ये जो बंदा है ये कुछ कर नहीं पाएगा. ही देयरफॉर डिसमिस फैराडेज एस्पायरेशन. Therefore, इसी के कारण उन्होंने क्या किया, हम्फ्री डेवी ने ही डिसमिस फैराडेज एस्पायरेशन, उन्होंने उनकी इच्छाओं को तोड़ने का काम किया. किस तरीके से, एंड ही एडवाइज हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग. और उन्होंने एडवाइस किया कि भाई जाओ आप बुक बाइंडिंग का ही काम करो, ये आपके बस की बात नहीं है. बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मतलब कंटिन्यूअसली वर्क करना, दैट्स कॉल्ड रिलेंटलेस. Faraday was relentless. He was working continuously. He worked day and night. Oh, din raat mehnat karte rahe and learned as much as he could about Davy's experiment. Aur wo din raat mehnat karte rahe, din raat kaam karte rahe, itna kaam karte rahe as he could about Davy's experiments. Wo unki lab mein kaam karte rahe aur jo kuch possible ho saka unhone Davy ke experiments se seekhne ki koshish ki. Soon Faraday became indispensable to Davy. Indispensable banna नेसेसरी बनना, किसी के लिए बहुत जरूरी बनना. और बहुत ही कम समय में वह फैराडे जो थे हम्फ्री डेवी के लिए नेसेसरी बन गए, उनकी एक जरूरत बन गए. एंड टू हिज लैब असिस्टेंट, और उसी के बदौलत उन्हें लैब असिस्टेंट बनाया गया. दिस वॉज इज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर. और ये जो था उनका पहला कदम था, दिस वॉज इज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड साइंटिफिक करियर, मतलब साइंस में करियर करने का यह उनका पहला कदम था, पहली. दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वॉज क्लीनिंग लैब्स. अभी भी उनकी जो इनका जो काम था क्या था, क्लीनिंग लैब्स, लैब को क्लीन करने का ही था. बट एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ Davy's लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. लेकिन फिर भी वो वहां पर Davy के एक्सपेरिमेंट अपने आंखों से देख सकते थे, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. और इतना होने के बावजूद भी Davy को Faraday से कोई hope ही नहीं थी. Then Faraday got another chance to prove himself. उसके बाद उन्हें एक chance मिला, एक अवसर मिला to prove himself, अपने आप को prove करने का. One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiments with a fellow chemist William Allaston, exploring why when an electric current is applied to a wire it causes that wire to behave like a magnet. Dekhiye ek din kya hua, one day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment. Ek din Davy apne sahakari chemist ke sath, jinka naam William Allaston hai, unke sath wo ek prayog kar rahe the. Wo prayog kya tha, टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबक
तत्व जो होता है उसके ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, मतलब जब इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवाह को जब वायर के साथ जोड़ा जाता है, तार के साथ जब उसे जोड़ा जाता है, इट कॉज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो वायर जो होती है बिल्कुल मैग्नेट में बदल जाती है, वह मैग्नेट की तरह कार्य करने लगती है। यह प्रयोग वह अपने साथी के साथ कर रहे थे। ऑब्वियसली द फोर्स वेयर कनेक्टेड, और फोर्स जो था इलेक्ट्रिक करंट जो था वह कनेक्ट हो रहा था, बट नोबडी हैड फिगर आउट हाउ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूअसली। लेकिन उनके साथी दोस्त और खुद हम्प्टी डेवी भी ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, ये सर्च नहीं कर पा रहे थे कि ये कंटिन्यू होने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब उसे मैग्नेट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यह वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। डेवी बिलीव दैट इफ यू कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपन एंड कंट्रोल इट, देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। और हम्प्टी डेवी को बिलीव था, उन्हें यकीन था कि अगर वो ये सर्च कर पाए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, अगर मैं ये कर पाऊंगा तो देयर मे बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो वहां पर उस इलेक्ट्रिक तीव्रता को, विद्युत की तीव्रता को, उसके बल को, बल के ऊपर चलने वाले ढेर सारे एप्लीकेशन निर्माण हो सकते हैं, इस बात का उन्हें यकीन था। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट, लेकिन उसमें से उस पर रिसर्च करने में वह नाकामयाब रहे। He was unable to figure out and was frustrated, और जिसे के बदौलत वह frustrated हो गए, निराश हो गए। He then teased Faraday, और उन्होंने Faraday को टीस किया। टीस करना चिढ़ाना, मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। He teased Faraday, उन्होंने Faraday को टीस किया, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. अरे भाई आपका लैब अगर क्लीन हो जाए तो उसके बाद आप भी थोड़ा ट्राई करो, अगर आपसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से फैराडे को उन्होंने टीस किया। विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए करिश्मा, देखिए कुदरत का कि फैराडे जो अनपढ़ थे उन्होंने क्या किया। विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने उस समस्या का हल निकाला। इन फैक्ट ही वेंट फर्दर, और इतना ही नहीं, he went further, वो इससे भी थोड़ा आगे बढ़े, and the result was the first induction motor, और इसी के बदौलत उन्होंने first induction motor की खोज की। induction motor क्या होती है? induction motor, induction is a process by which electricity pass from one object to another, मतलब एक object से दूसरे object में electricity पास होती है, उसको इंडक्शन कहा जाता है। तो इंडक्शन मोटर की खोज हुई, विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन, जिसके बदौलत इलेक्ट्रिकल करंट को, विद्युत प्रवाह को यांत्रिक गति में बदला गया। दैट्स कॉल्ड इंडक्शन मोटर। तो इस इंडक्शन मोटर की खोज फैराडे ने की, जो कि उन्हें टीस किया गया था हम्प्री डेवी के द्वारा। द इंडक्शन मोटर्स फॉर अ रिवॉल्यूशन, और इस तरीके से इंडक्शन मोटर ने तो एक तरीके से मतलब क्रांति कर दी, रिवॉल्यूशन कर दिया। फैंस, एयर कंडीशनिंग, सीविंग मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स एंड इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन इंजिन्स ग्रीव आउट ऑफ दिस सिंपल डिवाइस विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ मॉकरी डायरेक्टेड एट फैराडे। देखिए तो ये सब चीजें हमने जो पढ़ी, जिसमें फैंस है, एसी है, सिलाई मशीन है, छाया चित्र है, पावर टूल्स, विद्युत पर चलने वाले बहुत सारे उपकरण, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, इसके भी जो इंजिन्स है, ये सब ये जो डिवाइस हम आज यूज करते हैं, तो शायद आज हमारे सामने नहीं आती। फैराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट, और रातों रात वह क्या बन गए, ही बिकेम अ सेलिब्रिटी, और बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए। नोबडी नाउ केयर अबाउट हिज सोशल स्टेटस और एजुकेशन, अभी उनकी जो सोशल स्टेटस थी, वो जो अनपढ़ थे, उसके बारे में किसी को भी कोई लेना देना नहीं था। नोबडी केयर अबाउट हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन, दिस यंग मैन हैड जस्ट क्रिएट अ रिवॉल्यूशन, और इस तरीके से इस यंग मैन ने, इस लड़के ने कुछ
रिवोल्यूशन, एक अलग ही क्रांति उन्होंने की थी. वन वुड थिंक एज अ टीचर देवी वॉज हैप्पी एट हिज प्यूपमेंट. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है वन वुड थिंक, शायद हम लोग सोच सकते हैं, कोई सोचेगा एज अ टीचर देवी वॉज हैप्पी, कि देवी बहुत खुश रहेंगे, खुश होंगे कि उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है उससे वो बहुत हैप्पी होंगे. बट इन द ही वॉज जेलस, लेकिन रियलिटी अगर देखी जाए तो वो बहुत जेलसी फील कर रहे थे, उन्हें ईर्ष्या हो रही थी. पीपल स्टार्टेड टेलिंग देवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ. And people also started to tell him. लोग भी उन्हें बताने लगे, देवी को कहने लगे, all of his discoveries, आपने जो आज तक discoveries की है उसमें से सबसे best अगर है तो वो Faraday खुद है. मतलब Faraday की जो आपने खोज की है, आप उन्हें lab assistant बनाए, उन्हें tease किए, तो ये सब आप ही की खोज है. तो इस तरीके से लोग अभी उन्हें चिढ़ाने लगे, made him even more jealous. और इसके कारण और जलते थे. An angry Devi gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. और इसी कारण he was feeling very jealous. तो उन्होंने क्या किया? He was very angry and he gave Faraday an impossible task. उन्होंने एक बहुत ही impossible task, मतलब जो कि possible नहीं है, ऐसा एक काम उन्होंने Faraday को दिया. क्यों दिया? To take him out of his way. आप अपने रास्ते से उन्हें हटाने के लिए, मतलब काटा निकालने के लिए उन्होंने एक इम्पॉसिबल वर्क उन्हें सौंपा. ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बवेरियन ग्लास. उन्होंने उन्हें बवेरियन ग्लास का एक टुकड़ा दिया, विच वॉज यूज इन द लेंसेस इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. वो बवेरियन ग्लास का टुकड़ा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की कांच जो होती है उसमें यूज किया जाता है. एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर, और इसके ऊपर पुनर्निर्माण करने का, रिवर्स इंजीनियर करना मतलब उसके ऊपर पुनर्प्रक्रिया करना, उसे पुनर्निर्मित करने का कार्य फैराडे को सौंपा गया डेवी के द्वारा. बवेरियन ग्लास वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस and Davy knew that with the equipment available in the lab Faraday would never be able to accomplish the task. Dekhiye, Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process. Bavarian glass jo hota hai woh bahut hi mushkil process se bana hua hota hai, secret complicated process se bana hota hai. And Davy knew that, aur Davy ko pata tha, the equipment available in the lab, hamare lab mein jo equipment, jo sadhan available hai, इनका यूज करके फैराडे कभी भी इस प्रयोग में सफल नहीं हो पाएंगे, वह कभी भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे. अकम्प्लिश द टास्क, मतलब इस काम को पूरा वो नहीं कर पाएंगे. दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ. और यही बवेरियन ग्लास का जो टुकड़ा था, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फैराडेज लाइफ. फैराडे की लाइफ की वह एक बहुत ही बड़ी एक चीज बन गई थी. कौन सी? बवेरियन ग्लास. Faraday had a never give up attitude. Faraday का attitude कैसा था? Never give up, मतलब किसी चीज को बहुत जल्दी छोड़ते नहीं थे, हार नहीं मानते थे. He respected Davy. वो respect करते थे Davy का, और उसी के बदौलत he accepted the assignment. और इसी कारण उन्होंने उस काम को accept किया, स्वीकार किया उस काम को, despite knowing that it would be very difficult. He know that the task is very difficult, but he accepted it because he was respected Davy, or Davy ka respect karte the. He toiled for 4 years with no help from Davy. Unhone kareeb kareeb 4 saal tak Davy ki sahayata na lete hue us Bavarian glass ke upar kya kiya? Research kiya, and as expected fail. Aur jaise ki sabhi jante the woh apne kaam mein kya ho gaye? Fail ho. Faraday never learned the secret. And this remained his first failure as a scientist. Faraday never learned the secret of Bavarian glass. He was unable to search the secret of Bavarian glass. वो Bavarian glass का जो secret था, उसे search करने में, उसे सीखने में वो असफल रहे. And that was his first failure of his life. और इस तरीके से वो Bavarian glass का टुकड़ा उनके life की पहली असफलता बना. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. Souvenir मतलब यादगार के रूप में रखना किसी चीज को. तो to remind himself of these difficult times, और इस
डिफिकल्ट टाइम्स मतलब कि बहुत कठिन समय को याद रखने के लिए ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक, उन्होंने उस बवेरियन ग्लास के एक टुकड़े को याद के रूप में अपने शेल्फ में अपने अलमारी में रखा. दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ताकि वह उन्हें अपने मुसीबत के समय में कठिन समय में वह उन्हें इंस्पायर करता रहे कि हाँ ये मेरी पहली असफलता है और इसी से मुझे कुछ सीखना चाहिए. मतलब असफलता से इंसान बहुत कुछ सीखता है. इन 1829 डेविड डाइड एंड फैराडे सक्सेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी. देखिए 1829 में क्या हुआ, डेविड डाइड, हम्फ्री डेवी की मौत हो गई एंड फैराडे सक्सेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी, और वो वहां पर उस जिस लेबोरेटरी में काम चलता था उस लेबोरेटरी के हेड कौन बन गए, फैराडे बन गए. नाउ ही वाज फ्री टू परस्यू व्हाट एवर ही लाइक, अभी तो पूरी तरीके से फ्री थे, आजाद थे, जो उन्हें अच्छा लगता था जो सीखना चाहते थे वह एक्सपेरिमेंट उस लैब में अभी वो कर सकते थे. एंड ही मेड अनदर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, और उन्होंने दूसरी एक क्रांतिकारी खोज की, रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी. क्या थी वो डिस्कवरी, ही नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया, इफ यू मूव अ मैग्नेट इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत प्रवाह को निर्माण करता है. Thus he could now convert motion into electricity. और इसी तरीके से उन्होंने he could now convert, उन्होंने रूपांतरण किया किस चीज का, मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी. इसके पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने मोशन में कन्वर्ट किया था, मतलब विद्युत को उन्होंने यांत्रिक गति में ट्रांसफर किया था. अभी उन्होंने क्या किया, मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी मतलब गति को विद्युत में परिवर्तित किया. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न, और उसी से जो आज हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाते हैं जो विद्युत को बॉर्न करता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी उन्हीं की देन है. समथिंग स्टिल यूज टूडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर, और आज भी पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज होता है, लाइक डायनामोज एंड अदर डिवाइसेस. डायनामोज और बहुत कुछ ऐसे डिवाइस है जहां पर जनरेटर का यूज किया जाता है. फैराडे वॉज नाउ अ लीजेंड, नाउ ही बिकम अ लीजेंड, वो बहुत ही जाने माने हस्ती महान व्यक्ति बन गए थे. In 1840 he developed memory loss, और 1840 में उनकी मेमोरी लॉस हो गई, स्मृति रास हो गई, which continued for the rest of his life, जो उनके लाइफ के अंत तक उनके साथ रही. मतलब वो बीमारी उन्हें हुई थी वो अंत तक उन्हीं के साथ थी, but the disease did not stop him, लेकिन जो बीमारी उन्हें हुई थी मेमोरी लॉस की, it did not stop him, वो उन्हें रोक नहीं पाई. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism. देखिए मतलब memory loss होने के बावजूद भी वह अपना कार्य करते रहे, मतलब वह कठोर परिश्रम करते रहे. Starting उन्होंने शुरू किया complicated experiment, एक बहुत ही complicated experiment था उसे उन्होंने शुरू किया, to prove that he want to prove that light was closely related to electricity and magnetism, मतलब विद्युत और चुंबक के साथ प्रकाश का बहुत ही नजदीक का रिश्ता है. इस प्रयोग में अभी वो जुट गए थे. A novel thought in those times, और यह उस समय का एक बहुत ही आदर्श विचार था. Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. और इसी बीच उन्हें अपने शेल्फ में रखे उस बवेरियन ग्लास की याद आई. He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of a great success. So he was determined, उन्होंने निश्चित किया, क्या निश्चित किया, to convert the remainder of his first major failure, अपने एक बहुत ही बड़े फेल्यूर को, अपनी बहुत बड़ी असफलता को उन्होंने एक ग्रेट सक्सेस में, उसे महान सफलता में तब्दील करने का एक साधन बना दिया था. किसे बनाया था, तो बवेरियन ग्लास को. वो चाहते थे कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet. He used the same glass, उन्होंने यूज किया वही बवेरियन ग्लास, नाउ टू शो दैट, यह दर्शाने के लिए उन्होंने यूज किया, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, उन्होंने क्या किया, उसे मैग्नेट के प्रेजेंस में रखा, सानिध्य में रखा,
aircraft, and light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions. देखिए, बवेरियन ग्लास्को मैग्नेट के सानिध्य में रख के उन्होंने यह प्रूफ किया कि जो लाइट होती है, द लाइट कुड बी आइसोलेट इनटू अ सिंगल वेव, मतलब बिजली के प्रकाश को उन्होंने एक सिंगल लहरी में उसे परिवर्तित किया, देन स्प्रेडिंग आउट रैंडमली ऑल डायरेक्शंस, जो लाइट सभी दिशाओं में फैलती थी उसको एक ही लहर में उन्होंने मैग्नेट को उसके सामने रख के, मैग्नेट के प्रेजेंस में बवेरियन ग्लास को रख के उन्होंने प्रूव किया कि हम बिजली को एक वेव में बदल सकते हैं, एंड दैट कंसेप्ट कॉल ऑफ पोलराइजेशन, और इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। ही देन टूक द ओल्ड एज एक्सपेरिमेंट ऑफ स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर नियर अ मैग्नेट, और उसके बाद उन्होंने एक पुराना एक्सपेरिमेंट किया। ही देन टूक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट, एक बहुत ही पुराना, क्या था, स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का जो चूरा होता है, उसको क्या किया, ऑन अ शीट ऑफ पेपर नियर अ मैग्नेट, उन्होंने मैग्नेट के बगल में, मैग्नेट को एक जगह रखा और उसके अगल बगल उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर लोहे का जो चूरा होता है उसको स्प्रेड कर दिया, मेकिंग सर्कुलर पैटर्न्स, और उससे उन्होंने क्या किया, सर्कुलर पैटर्न्स बनाने की उन्होंने कोशिश की, सर्कुलर पैटर्न्स मतलब नमूने बनाने की का प्रयास उन्होंने किया। ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट दिस पैटर्न्स वेयर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन फिलिंग्स, इन फैक्ट दे वेयर ड्यू टू द इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स दैट फिल द एम्प्टी स्पेस अराउंड द मैग्नेट एंड हेंस डिस्ट्रीब्यूट द फिलिंग्स, और वहां पर उन्होंने प्रूव करना चाहा, ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट These patterns were not the property of iron fillings. और ये जो कुछ होता है जब कागज पर मैग्नेट को रखा जाता है, लोहे की चूरे को फैला दिया जाता है, तो जिस तरफ उसे घुमाओ तो उस तरफ आयरन के जो टुकड़े होते हैं वो घूमते रहते हैं, ये जो नक्शी बन रहे हैं, ये जो नमूने बन रहे हैं, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन फिलिंग्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये आयरन फिलिंग्स की नहीं है बल्कि ये किसकी है, उस मैग्नेट की है, और ये मैग्नेट के कारण ही ये सब हो रहा है, ऐसा उनको प्रूव करना था। बट क्या हुआ, देखिए, दिस इज वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम, लेकिन यहां पर उनका जो फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज ही वॉज नॉट एजुकेटेड पर्सन, वो बहुत एजुकेटेड नहीं थे, 12 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो यहां पर उनकी जो एजुकेशन की कमी थी वह उन्हें खल रही थी। फैराडे डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स, उन्हें एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, सो ही जस्ट कॉपी द आयरन फिलिंग पैटर्न्स विथ हिज हैंड, इसीलिए ये जो आयरन फिलिंग्स पैटर्न था उन्होंने अपने हाथ से बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा और उसे प्रूव करने की कोशिश की, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन वह मैथमेटिकल इक्वेशन में उन्हें लोगों के सामने रखने में, उसे प्रूव करने में असफल रहे, जिसके बदौलत उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वह वहीं पर रुक गया। He made hundreds of such drawings, but without equation they were not accepted. उन्होंने hundreds of such drawings, मतलब सैकड़ों ऐसे drawings बनाए उस प्रयोग को प्रूव करने के लिए, बट विदाउट इक्वेशन, लेकिन कोई इक्वेशन न होने के कारण, कोई समीकरण वहां पे नहीं था, मैथमेटिकल इक्वेशन की कमी के कारण दे वेर नॉट एक्सेप्टेड, उनका स्वीकार नहीं किया गया। फॉर्चून फेवर द ब्रेव फैराडे वंस अगेन, देखिए क्या हुआ, फॉर्चून मतलब लक, भाग्य ने फिर से एक बार फेवर करना मतलब पसंद किया द ब्रेव फैराडे, भाग्य ने फिर से एक बार उनकी साथ दी। वंस अगेन व्हेन ही मेट जेम्स मैक्सवेल, जब वो जेम्स मैक्सवेल से मिले तो भाग्य ने फिर से उन्हीं की साथ दी। हु वाज जेम्स मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल वाज वेल्दी, बहुत ही वेल्दी थे, एजुकेटेड फिजिसिस्ट, वेल वाज इन मैथमेटिक्स, देखिए वो, उनको बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स का नॉलेज था, वो फिजिसिस्ट थे, मतलब कि भौतिक शास्त्र से, वो भौतिक शास्त्र की उन्हें बहुत ही जानकारी थी और वो एजुकेटेड थे। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फैराडे, और वो फैराडे के साथ काम करना चाहते थे। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेट फैराडेज आइडिया इन टू अ सेट ऑफ इक्वेशन दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन,
तो वो मैक्सवेल ही थे हु ट्रांसलेट फैराडेज आइडिया, जिन्होंने फैराडे की जो आइडिया थी, जो कंसेप्ट थी, उसको इक्वेशन में लोगों के सामने रखा इनटू अ सेट ऑफ इक्वेशन, एंड नाउ वी कॉल दैट मैक्सवेल इक्वेशन, और जो आज मैक्सवेल के इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वो भी प्रूव कर दिया कि हाँ, ऐसे भी किसी की सहायता लेके आप किसी कार्य को अंजाम दे सकते हो। देयर कंबाइन वर्क हैज हेल्प अस इन मेनी वेज, और उन दोनों का कंबाइन वर्क, मैक्सवेल और फैराडे का जो कंबाइन वर्क था, हैज हेल्प अस इन मेनी वेज, उनका कार्य हमें बहुत मददगार साबित होता है, बहुत कामों में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टुडे आर डिजाइन अराउंड देयर डिस्कवरीज। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है जिसका आज हम यूज करते हैं, टुडे आर डिजाइन अराउंड देयर डिस्कवरीज, ये सब उन्हीं के कार्य के बदौलत हो रहा है। समडे वी माइट इवन बी एबल टू कम्युनिकेट विथ एलियंस, समडे मतलब कुछ दिनों बाद, वी माइट ऐसे हो सकता है, इवन बी एबल टू कम्युनिकेट विथ एलियंस, हम एलियंस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अक्रॉस डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट गैलेक्सीज मतलब आकाश गंगा जो है, गैलेक्सी जो है, वहां के अलग अलग एलियंस के साथ हम लोग भी बात कर सकते हैं, यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्कवरीज। माइकल फैराडे और जेम्स मैक्सवेल के जो इन्होंने खोज की है, उसी कार्य के बदौलत शायद हो सकता है कि हम आगे चल के एलियंस के साथ कम्युनिकेट करें। Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and convictions. देखिए क्या कहा है? Faraday's life started with difficulties. उनकी जो life थी, he was a poor person. He born in a poor family, poverty-stricken family in a dirty London suburb. He faced so many difficulties in his life, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and conviction. लेकिन as a great scientist, एक महान वैज्ञानिक के नाते उन्होंने हर एक difficulty को कैसे face किया? Perseverance, मतलब कि हर एक कार्य को, कठिन कार्य को वह करते रहे, and conviction, और विश्वास के साथ किया। He was given impossible task, उन्हें एक असंभव कार्य भी सौंपा गया, which he undertook as a challenge and opportunities, और उन कार्यों का भी उन्होंने स्वीकार किया as a challenge, कि ये मेरे लिए एक आह्वान है, and opportunities, ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है, अगर मैं कुछ कर पाया तो बहुत अच्छा होगा। He epitomes what the Walt Disney character Pinocchio said, and he epitomes जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है what the Walt Disney character, Walt Disney का जो character है Pinocchio, वो कहता है, पिनेशियो क्या कहता है, देखिए, विश अपॉन अ स्टार, इट डज नॉट मैटर हु यू आर, व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार, जब आप सितारा बनना चाहते हो, आप सितारा बन के जब चमकना चाहते हो, इट डज नॉट मैटर हु यू आर, ये कोई मैटर ही नहीं है कि आप कौन हो, तब आपको कोई देखेगा नहीं कि आप कौन हो, करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, देन डोंट मैटर हु यू आर, वहां पर ये समस्या ही नहीं है, आप सक्सेस चाहते हो, इफ यू हैव अ कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली, देन यू विल बी द स्टार वन डे। इन दिस वे वी लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हेलो, हाँ यस बेटा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन से सर, सब लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो थॉमस एडिसन ने बनाया था ना, और थॉमस एडिसन की बल्ब की खोज है बेटा, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला बल्ब। अभी हमने इसमें भी देखा कि आफ्टर द वर्क ऑफ डेवी, मतलब डेवी का जो प्रयोग चल रहा था, जो लेक्चर चल रहा था, और उनके लेक्चर के बदौलत, मतलब उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी, उसी जानकारी पर आधारित थॉमस एडिसन ने फिर बल्ब की खोज की उसके 70 साल बाद, बराबर? यस सर। हाँ, तो थॉमस एडिसन की बल्ब की खोज है।
और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इन मैकेनिकल मोशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो यांत्रिक गति में परिवर्तित किया गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो रूपांतरित किया गया, ये सब किसकी खोज है? माइकल फैराडे की। ओके, हेलो, यस अभिषेक सर। माइकल फैराडे जी को मतलब बचपन से उनको ये सब करने की आदत थी? आदत नहीं थी बेटा, वही हम लोग इस लेसन में पढ़े कि he was born in a very poverty stricken family, बहुत ही गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ था। he was living in a dirty London suburb, जैसे झोपड़पट्टी का भाग होता है जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे घर, आपने भी फेस किया होगा, हम लोग भी बम्बई में ये सब देखते हैं। तो ऐसी फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी उनके अंदर कैपेसिटी थी हार्ड वर्क करने की, कैपेसिटी टू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली। मतलब आज आप भी अगर किसी काम को अंजाम देना चाहते हो तो आपके अंदर वह चीज होनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है और मैं ये कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव हमारी सोच होनी चाहिए, जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये करना है तो उस दिशा में आपको क्या करना होगा, रेगुलर वर्क करना होगा। We have to achieve something daily, मतलब हमें डेली कुछ ना कुछ करना होगा तब जाके हम उस काम को अंजाम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और हमारे अंदर कुछ होता है ऐसे जो हम आधा अधूरा नॉलेज पाते हैं और फिर उसको स्टॉप कर देते हैं और जिसके बदौलत हमें सफलता नहीं मिल पाती है। सो इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू डू हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली। इज इट क्लियर? ओके सर। हेलो, हाँ सर, थॉमस एडिसन फादर्स नेम व्हाट? थॉमस एडिसन, नो आई कांट टेल यू। स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट Michael Faraday, who was born in a very, very poor family, but one day he became a great scientist. So, it's our today's lecture.